आपका स्वागत है। तो भाई आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज मैं कोई टेक्निकल वीडियो या कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो केवल आज आपका है, आपका मतलब भाई से अगर मैं कहूँ तो, चूंकि आज 13 तारीख है और 13 का मतलब क्या है पहले मैं बता दूँ। तो भाई ये 13 का पता नहीं क्यों मेरे लिए ये 13 वर्ड काफ़ी खास हो चुका है। तो भाई आप मेरे लिए काफ़ी खास हो क्योंकि ये जो चैनल है संस्कार टेक्निकल, इसे मैंने स्टार्ट किया था मार्च 13 को, मतलब 13 मार्च, और यहाँ भी आप ही थे, मतलब 13 था, 13 मतलब आप, और आप थे, और मार्च में ये चैनल आपके सहयोग से स्टार्ट हुआ था। और मैं बता दूँ कि आज 13 सितंबर है, पूरे 6 मंथ हो चुके हैं हमारे इस चैनल के। और मैं कहूँगा कि ये चैनल, फिर मैं हमारे वर्ड नहीं कहूँ, मैंने आपके चैनल का मैं कहूँ, क्योंकि 13 वर्ड मेरे लिए बड़ा खास है। और 13 चूंकि आज भी है 13 सितंबर, तो मैं बता दूँ कि आज मेरा चैनल मोनेटराइज हो गया, चूंकि वो डाला गया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं और बहुत लोगों का मोनेटराइज नहीं हुआ या हो गया है, वो जानना चाहते होंगे कि सर आपने कैसे कैसे प्रोसेस कंप्लीट किया। तो मैं बताऊं कि 15 अगस्त के पहले ही मेरा 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका था और 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर, मतलब 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स भी हो चुके थे। तो वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद मैं सोचा कि भाई 15 अगस्त था, 15 अगस्त के नेक्स्ट डे 16 अगस्त को मैंने इसे अप्लाई कर डाल दिया था। मतलब भाई 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर पूरे एक महीने जो टाइम YouTube ने बताया था। तो भाई मैं YouTube को भी थैंक्स करना चाहूँगा, और चूंकि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और चूंकि ये चैनल ही आप ही का है, क्योंकि हर कुछ 13 को हो रहा है, मतलब 13 मार्च को मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया, मोनेटराइज भी हुआ है 13 सितंबर को, और हर कुछ 13 मतलब आपका है। तो भाई चलिए इस वीडियो में मैं कहूँगा कि ये आपका सहयोग है कि इस 13 तारीख को मेरी जो चैनल है वो मोनेटराइज हो गई। तो भाई चलिए YouTube को भी काफ़ी थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक मंथ के अंदर मुझे कहा था कि भाई आपका चैनल मोनेटराइज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई कि 13 तारीख को खास आज गणपति बप्पा के दिन ये चैनल मोनेटराइज हो गया है। तो चलिए इसका कुछ सेलिब्रेशन करेंगे। तो भाई आज मैं आपको अपने एरिया का गणपति बाबा का दर्शन करवाऊंगा, और मैं भी सोचता हूं कि भाई शुभ टाइम में क्यों ना गणपति बप्पा का दर्शन कर लिया जाए। तो चलिए आज का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा था क्योंकि आप हमारे 13 है, मतलब ये 13 अंक, और ये 13 अंक का मतलब हो जाता है आपके बारे में। तो ये चैनल मैं कंटिन्यू ये याद रखूं कि भाई ये चैनल मेरा नहीं बल्कि आपका है, और आपके हित में मैं लगातार काम कर पाऊं। तो भाई ये 13 हमारे साथ बराबर आता रहे, मैं ये उम्मीद रखूंगा। तो उम्मीद है कि भाई अब आपका सहयोग मुझे कंटिन्यू मिलता रहेगा, और जो सहयोग अभी तक आप लोगों का मिला है और इतना प्यार, तो मुझे लगता है कि मेरी एक फैमिली सी हो गई है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, जितने लोग हैं, अब मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरी एक नई फैमिली आ गई, क्योंकि मैं पहले तो अपने पर्सनल फैमिली के बाद टीचिंग में आया था, तो टीचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट टीचर्स का एक फैमिली तैयार हो गया था, और मुझे लगता है कि आज मीडिया ने मुझे एक नए फैमिली से जोड़ दिया है, और ये फैमिली पूरे वर्ल्ड लेवल पर सारे लोग हैं जो फैमिली में धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। तो भाई बिहार झारखंड के बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ पाए, मैं चाहूंगा कि देश के कोने कोने तक हम लोग जुड़ पाए एक दूसरे से। तो भाई ये 13 चैनल, मतलब ये आपका चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा, और भाई अगर थोड़ी बहुत कभी कुछ मन में किसी को कुछ ठेस लग जाए तो प्लीज मुझे जरूर मैसेज करके इन्फॉर्म कीजिएगा। तो उम्मीद है कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चलिए आज का सेलिब्रेशन करते हैं। तो भाई चलिए आज के सेलिब्रेशन में, चूंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक का जो सफर हुआ, करीब करीब मैंने 100 से अधिक वीडियो बनाया, मतलब 120 125 वीडियो के लमसम अब होने जा रहा है। तो ये सारे वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं हुआ, कोई कंप्यूटर से मैंने अभी तक एडिट नहीं किया, बस एक वीवो का मोबाइल है भाई मेरा छोटा सा, और इस मोबाइल से ही पूरे रिकॉर्डिंग्स को मैं डायरेक्ट लाइव डालता रहता हूँ। मतलब सोच सकते हो आप कि मैं अभी तक 30-30 मिनट का भी वीडियो बनाया हूँ, 15 मिनट 10 मिनट, उसमें कोई भी कटिंग मैं नहीं करता। मतलब जो मैंने एक बार बोला, अगर वो कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर उस वीडियो को कंटिन्यू मैं बनाता हूँ रिप्ले कर। मतलब आप समझ सकते हो कि एक वीडियो को बनाने के लिए हो सकता है कभी कभी हम लोग को 3-4 बार उस वीडियो को बनाना पड़ जाता है।
तो भाई ये मेहनत अभी तक हो रहा है क्योंकि मैं कोई कटिंग एडिटिंग नहीं डाल रहा हूँ, मैं केवल वीडियो में अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भाई मैं बता दूं, अभी तक बहुत सारे यूट्यूबर्स मुझसे जानना चाहते होंगे, तो भाई एक नॉर्मल वीवो का मोबाइल, और वो भी मैंने 13 मार्च को ही खरीदा था, और उस दिन से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और अभी तक उसी मोबाइल से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। और आपने देखा ही था कि भाई बर्थडे में मुझे ये माइक मिला था, जिस माइक का मैं लगातार यूज कर रहा हूँ, और एक ट्राइपॉड है वो भी काफी कम दाम का। तो बस ये ट्राइपॉड और इस माइक के मदद से मैं थोड़ा सा इम्प्रूव किया हूँ, और बाकी उसी मोबाइल से मैं लाइव ये वीडियो डालता हूँ। तो भाई ये गणपति बाबा का भी वीडियो मैं इसके नेक्स्ट में डालूंगा, क्योंकि मैं एडिटिंग करता नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ एजुकेशनल बात करेंगे, और मैं बताऊंगा अपने सारे सब्सक्राइबर्स को कि भाई आप किस तरह से, एक मैं वीडियो स्पेशल संडे को डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना यूट्यूब चैनल्स को बना सकते हो, रन कर सकते हो, और क्या क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए भाई, अब तो इस खुशी में एक लाइक तो बनता है, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये चैनल स्पेशल टेक्निकल सेक्टर में एक रिवोल्यूशन है, एक क्रांति है, डिप्लोमा से लेकर इंजीनियरिंग तक, और मैं इसमें सारे एजुकेशनल से लेकर प्लेसमेंट तक का सारा इंफॉर्मेशन इस चैनल में बराबर डालता हूँ। तो भाई आप अगर इससे कहीं ना कहीं किसी भी रूप से जुड़े हैं, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, चाहे मैं किसी भी रूप में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो भाई आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और भाई इस खुशी में एक लाइक तो बनती है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत।